कृष्णकांत जी को जो है वह PCS में SDM बनने पर हम सभी लोगों की तरफ से जो है आपको बधाई, और हम लोग आशा करते हैं कि यह अभी मंजिल जो है काफ़ी लंबी है। और अभी तो आप SDM बने हैं, अभी मेरे समझ से IAS का अटेम्प्ट भी सब बचा हुआ है, तो सब अटेम्प्ट बचा हुआ है। और हम लोग की शुभकामना है कि आप जो है अगली बार कम से कम जो है वो IAS वाला, हाँ तो सुनील लोग पढ़ते थे तो आप लोग सुनील वाले बैच के जस बात थे, तो ऐसे ही सुनील का भी छोटा मोटा सिलेक्शन जो है PCS में हुआ था। तो हम लोगों ने शुभकामना दिया कि नहीं अब अगली बार IAS बन जाना है, तो प्रभु ने चाहा तो 2024-25 में जो है हम लोग पुनः मिठाई खाएंगे। और इन लोगों को जो है आप ये बताइए कि इन लोग PT कैसे पास करें और क्या इन लोगों की रणनीति हो, क्योंकि इसमें से अधिकांश लोग UP के ही हैं और PCS भी देंगे। इन लोगों को इसी पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए कि कैसे क्या पढ़ा जाए। और बहुत ज़्यादा जो है वह भाई देखिए, समय तो उतना ही है 24 घंटा, उसी समय में किस तरह से हम लोग उसको मैनेज करें, जिससे जो है क्योंकि बहुत उलझने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम तो इन लोगों को मार्गदर्शन देते ही रहते हैं कि जब आप आए हैं तो आप थोड़ा सा इन लोगों को, आप लोग भी अपना खुल कर प्रश्न पूछिए। मैं भी बस आप लोगों के ही जैसे हूँ और मुझे लगता नहीं कि कोई विशेष अंतर है, बस ये फर्क है कि मेरी रैंक आ गई है PCS में, बाकी आप लोग के भी आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि विशेष कोई अंतर है। बाकी प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक सर का बहुत अच्छा योगदान रहा पूरे ही जर्नी में मेरे, बाकी बीच में कभी अप एंड डाउन आते रहते ही हैं, तो वो सब आए तो मैं सर के पास चला आता था हमेशा से ही, तो सर मुझे गाइड करते थे और बताते थे कि चीज़ें अब यहाँ से कैसे अच्छी करनी है या फिर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो बताया सर ने। बाकी सर के पास मैंने पूरा GS 2nd पढ़ा और GS 4th भी पढ़ा है, प्रीलिम्स पॉलिटी भी पढ़ा है, और बाकी सर जो भी पढ़ाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छा ही होता है, और एक ऑनेस्ट वे में जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे हैं तो अच्छे से पढ़िए सर जितना पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उससे बाहर गई नहीं। मेरे साथ जो हुआ प्रीलिम्स में भी मेंस में भी सर ने जितना पढ़ाया है आता वहीं से है, स्पेशली UP PCS के प्रीलिम्स में मैंने कोई बाहर का क्वेश्चन देखा नहीं, अगर वो बाहर है भी तो वो सभी के लिए ही बाहर होता है फिर, क्योंकि वो फिर अलग लेवल का हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सर का पढ़ाया हुआ लगभग आ जाता है। मेंस में भी मेरे साथ यही रहा, 2nd पेपर में भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि सर के कॉपी से बाहर है। मेरे नोट्स 19-20 के हैं और मैंने अभी 23 में मेंस लिखा, मुझे अलग से कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वही सारी चीज़ें लगभग हो गई, बाकी एडिटोरियल वगैरह तो चलता ही रहता है थोड़ा करंट का, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर करी। और प्रीलिम्स पॉलिटी का क्या ही कहें, सर ने जितना पढ़ा दिया है बस वही चीज़ें आ जाती हैं, बाकी और भी चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट की मैंने करी थी, जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो तो पढ़ना ही होता है, लक्ष्मीकांत वगैरह जो पढ़ते हैं वो सब पढ़ा मैंने, स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी हैं वो सब तो बेसिक हैं, उसमें क्या ही बताना, सभी को ही पता होगा, तो वो मैंने पढ़ा। बाकी सर के क्लास से तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला ही, बाकी सर तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि एक बार कम से कम सर का क्लास देखें। मैंने अपने कई सारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी सर की क्लासेस भेजी थी कि एक बार देखें, प्रीलिम्स के सर ने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने भेजी भी और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। बाकी और भी चीज़ें मेरी सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो बहुत से सोर्स रहे हैं, वही जो सबके रहते हैं, तो वो करा मेंस के लिए इस बार UP PCS के मेंस में, बाकी GS तो चारों सेम ही हैं, सेम पेपर्स हैं और सेम सिलेबस है UPSC का, तो फिर चीज़ें हो गई उसी से ही हो गई जो हमने नोट्स बनाए थे खुद के। मैंने यहाँ पे पढ़ा था, फिर रामेश्वर सर से इकोनॉमी पढ़ी थी, बाकी हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल रहा है तो वो भी खास तौर से मैंने लाइव क्लास में करी थी। मैंने इतना ही कोचिंग लिया है और कोई कोचिंग मैंने नहीं ली है। फर्स्ट पेपर के मैंने नोट्स पढ़े थे, कुछ दोस्तों से मिला उनके नोट्स थे तो मैंने वहीं से तैयार कर लिए थे, 2nd सर ने करवा दिए थे, 3rd का 70% करीब रामेश्वर सर ने करवा दिया था तो वहाँ से हो गए थे, और कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वो सब मैंने खुद से ही नोट्स बना लिए थे बहुत सारे गूगल वगैरह करके। बाकी 4th का तो सर पढ़ाए ही हैं तो उससे बाहर गया नहीं, तो मैंने वही पढ़ा था। 5वां 6ठा UP के लिए थोड़ा नया था,
उसके लिए मैंने 3-4 सोर्सेज पढ़े थे। ओनली आईएएस ने 2 बुक निकाले थे, तो उन दोनों को मैंने बेस बनाया था और उनमें से नोट्स भी बनाने की कोशिश करी थी मैंने। तो वो बेसिक था मेरा, बाकी साथ में यूपी तथ्य सार, उसकी भूमिकाएं बहुत अच्छी हैं। जो जैसे हम डरते ना कि स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को लिखना कैसे, आंसर करें, तो उसमें भूमिका बड़ी अच्छी है, तो मैंने वहाँ से देखा था। और यूथ की आती है तो कई सारी चीज़ें उसमें नहीं थी ओनली आईएएस वाले में, तो यूथ पब्लिकेशन की जो आई थी वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से भी कवर करी थी जो इसमें नहीं थी। और तो इस तरह से मैंने वो किया था। बाकी जो चीज़ें छूटी वो यूथ में मिल गई, कुछ ओनली आईएएस में मिल गई। बाकी यूपी तथ्य सार से सेक्चुअल भी कवर हुआ, और एक भूमिका के लिए और भी जो टॉपिक्स जैसे यूपी का साहित्य है, ट्राइब्स वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे से दे रखा है, तो उससे हो जाता है काम प्रीलिम्स के लेवल पे भी, मेंस के लेवल पे भी। बाकी नीतियों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे, स्पेशली 6ठे पेपर में शायद, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसके लिए घटना चक्र वालों ने निकाला था, शायद हर साल ही निकालते हो, यूपी सरकार की और योजनाएं और नीतियां करके निकालते हैं, जिसमें यूपी गवर्नमेंट की होती हैं और सेंटर की भी होती हैं अलग अलग से, तो वो मैंने पढ़ा था। ये 4 सोर्सेज मेरे 5वें 6ठे के लिए थे। बाकी हिंदी के लिए तो वही सब पढ़ते हैं, हफ्ते बाहरी वगैरह जो भी मिल जाए और भी किसी के नोट्स मिल जाए, मुझे मिले थे तो वो सब मैंने करा था। बाकी निबंध मैंने खुद से प्रैक्टिस किए थे, बाकी मेरे रूममेट हैं मोहित नाम है उनका, तो वो मुझे काफ़ी गाइड करते थे हर ही सब्जेक्ट में। मैं तो बाद में जब टेस्ट लिखता था तो उनको ले जाके दिखा देता था कि देख लो भाई कैसा लिखा है मैंने, मुझे मार्क वार्क दे दो, तो वो मुझे मार्क भी देते थे, तो उस तरह से करा मैंने। बाकी निबंध का वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, मैंने उनसे सीखा था, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी हैं। तो यूपी का मेरा ये रहा है। और इंटरव्यू के लिए कुछ विशेष नहीं था, जैसे प्रीलिम्स का मतलब मेंस का जब रिजल्ट आया उसके बाद 17वें दिन से मेंस ये इंटरव्यू शुरू हो गए थे, मेरा दूसरे दिन ही पड़ा था, 9 जनवरी को मेरा था सेकंड शिफ्ट में, तो उसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं था ऐसे। कोशिश तो करी थी कि हाँ अपने ज़िले के बारे में जान लूँ, थोड़ा हॉबी वगैरह के बारे में देख लूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी थी। सर से भी आके मिला था, मैंने सर को बोला सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा पहला पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, तो फिर मुझे डर लग रहा था कि मतलब कैसे चीज़ें होंगी, तो सर ने बताया। लास्ट टाइम भी जब मैं जा रहा था तो सर ने फ़ोन किया था कि बस ईमानदार बने रहना है, जैसे आप हैं बस वही दिखना है वहाँ पे, तो मैंने करा और चीज़ें ठीक रहीं तो मिल गया मुझे 21वीं रैंक मिली। बाकी आप सबकी कुछ क्वेरी वगैरह रही हो तो। मैंने इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, केवल एनसीईआरटी पढ़ी, उसी से मैंने नोट्स बनाए थे। मेंस में आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में एक बार को आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन देखना चाहिए, एक बार को नहीं देखना ही चाहिए, नेसेसरी है वो। और मेंस के लिए तो मैंने केवल इसी के नोट्स बनाए थे, उसके से 5-7 पेज में मैंने नोट्स बनाए थे पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, जैसे हिमानी वगैरह, चक्रवात और भूकंप वगैरह उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, आने ही आने हैं वहाँ से क्वेश्चन, तो फिर मैंने उसके नोट्स बना लिए थे खुद के, उसमें डायग्राम बनाना, तो डायग्राम वगैरह खूब अच्छे से करके मैंने बना लिए थे ताकि ये रट जाए मुझे और ये चीज़ें वहाँ कॉपी पे दिख जाए, तो ये करा था मैंने। और जहाँ भी स्कोप मिला और मैप वगैरह बनाने की, तो वो मैंने बनाया था। ज्योग्राफी का मेरा यही था, प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन मैंने पढ़ा था और मेंस के लिए एनसीईआरटी। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो हमारे नोट्स हैं या फिर जो सोर्स हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत बार पढ़ लें, बहुत बार पढ़ने के बाद रिवाइज कर लें, स्पेशली जब हम लिखने जा रहे हों तो थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। वो नकल नहीं होता है कि हमने नकल कर लिया, थोड़ा सा पहले देख लिया, वो नकल नहीं होता है, मेरे हिसाब से नहीं होता है, तो थोड़ा उसको देख लेना चाहिए और फिर उसके बाद से जैसे रिवाइज हो जाए चीज़ें आप जाके लिखें, तो मुझे लगता है कि बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इसे और बार बार ही करना पड़ेगा। मैंने क्योंकि करा और लिखा तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी, मेरी भूमिकाएँ गड़बड़ हो रही थी उसमें ज्योग्राफी वगैरह में कि कैसे मैं सॉलिड बनाऊँ, तो उसमें जो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनके नाम वगैरह डालना, जैसे मानसून या जलवायु का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें थान ट्रेड वगैरह के नाम डालना, उस वहाँ से स्टार्ट करना, तो वो शायद मुझे लगता है कि एक प्रभावकारी शुरुआत रही हो, उसमें मैपिंग वगैरह आ जाती है, 2-4 पॉइंट्स लग जाते हैं, ठीक ठाक कंक्लूजन हो जाता है, तो बस ये हो जाता था। ये मेन्स का करंट अफेयर के लिए मैं ओनली आईएएस का एडिटोरियल सुनता हूँ हमेशा से, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे आया दिल्ली में 2019 में, मैं मेरे क्लासेस शुरू हो गई थी यहाँ पे 18 के लास्ट में मैं आता दिसंबर में, तो फिर उसके बाद से मैंने ओनली आईएएस का सुनना शुरू कर दिया था, उसको भी मुझे मोहित ने ही बताया था, तो फिर
वो चीज़ें अभी भी मैं सुनता हूँ। शायद अभी तो थोड़ा रिजल्ट वगैरह आ गया तो 2-3 दिन का छूट गया होगा मेरा, लेकिन मैं डेली ही सुनता हूँ उसको। और एक वर्ल्ड अफेयर करके है, प्रशांत धवन करके हैं, तो वो करंट IR का बहुत अच्छा करवा देते हैं। बाकी सर क्लास लेते हैं कुछ दिन का, हाँ वर्ल्ड अफेयर चैनल है, तो वहाँ से मैंने करी थी। वहाँ से प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन मिल गए, तो मुझे जैसे यति एयरलाइंस का आया था ना, वो किसी भी मैगजीन में कवर नहीं था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और इसी बार ही था शायद, तो वो वर्ल्ड अफेयर वाले ने कवर कर रखी थी, तो वहाँ से वही सब चीज़ें एक आध एक्स्ट्रा हो गई, तो फिर मैं यहाँ पे हूँ। हाँ एडिटोरियल वगैरह मैंने डेली ही सुना है, तो वो चीज़ें मुझे काम आई, क्योंकि एक बार एक मतलब ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें उसके बारे में नहीं पता है न्यूज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम वो चीज़ें रिकॉल कर पाते जो हमने सुना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे साथ, जैसे ONDC का क्वेश्चन आया था, मैं टेस्ट दे रहा था वहाँ की बात कर रहा हूँ, मेन एग्ज़ाम में कौन कौन से थे मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, तो जैसे ONDC का मैंने एक बार सुना था एडिटोरियल में ही, तो वो चीज़ें वहाँ पे आ गई। और रैंडम ऐसे उन्होंने पूछ लिया कि अडल्ट्री सही है कि गलत है, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ी थी, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे कवर हुई। बाकी होती गई सब चीज़ें, प्रैक्टिस मैंने खूब करी थी, मेरे नाखून आज भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए लिखते लिखते, अब लग रहा है कि हाँ ठीक है। बाकी और कुछ, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रामेश्वर सर के नोट्स पढ़े थे, मेंस के लिए तो मुझे नहीं लगता उनसे बाहर कुछ जाने वाला है। आप मुश्किल से वो 30-20 क्लास लेते हैं, तो वो दोनों क्लासें होंगी ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, अच्छा है वो भी। मतलब मैंने उन्हीं की क्लास करी थी मेंस वाली, उसमें से सारे क्वेश्चन आ गए थे, नहीं भी मतलब कुछ डायरेक्ट नहीं थे, तो कम से कम वो सारी चीज़ें उसमें थी कि हम उससे डिराइव कर लेंगे वो आंसर। बाकी प्रीलिम्स के लिए घटनाचक्र देखना चाहिए, सेलेक्टेड टॉपिक्स वगैरह देख लेना चाहिए जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है, जैसे उसमें वो जनगणना वाले टॉपिक्स हैं, पंचवर्षीय योजना वाले हैं, और वो किसानों वाले होते हैं ना जिसमें लघु किसान और क्या मार्जिनल वगैरह, ये सब जो उनकी माप होती है कि MSME वगैरह की क्या परिभाषा है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो काफ़ी मोटी बुक है तो उसको बहुत नहीं पढ़ना है, मोटाई उसकी पुराने डाटा पूछ रखे हैं उसमें, तो वो पूरे नहीं करने, बस ऐसे सेलेक्टेड PYQ देख लेना है कि इसमें से जो चीज़ें हैं वो उसमें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो बस वो देख करके हम पढ़ लेना चाहिए कुछ कुछ टॉपिक। मुझे अभी यही 2-4 याद आ रहे थे, तो इकोनॉमिक्स कैसे करते हैं, हाँ वो तो करना ही चाहिए, मैंने वही करा था। कई लोग वाणी की करते हैं, वाणी पब्लिकेशन का शायद मुझे ध्यान नहीं कैसा है वो, अच्छा ही होगा इसमें घटना चक्र में या वाणी में, नहीं तो अगर वो कुछ ही होगा, मैंने भी पढ़ा है तो मुझे लगता है कि वो कुछ ही होगा, और जितना उसमें लिखा है वो ठीक ठाक है, उतने में काम चल जाएगा। नहीं आपको थोड़ा सा और जानना है तो कोई और जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें देख लें, नहीं तो गूगल कर लें। PET के लिए पूर्वावलोकन रट डालिए, मैंने वही करा था, मेरे खुद भी प्रीलिम्स निकल नहीं रहते हैं। मेरा सीरियस अटैम्प्ट देखे तो 3rd अटैम्प्ट था ये UP में मेरा, वैसे मैंने 4 दे रखे हैं, एक तो आते ही दे दिया था, मतलब यही कि कैसा होता है जानू, कम से कम 20 में ही दे दिया था, मैं 19 में आया था 20 में दे दिया था, तो ऐसे ही था वो, उसमें मैं तैयार नहीं था, लेकिन आगे से मैं तैयार होके जाता था, लेकिन चीज़ें नहीं सही हो पाई। 23 में आके मुझे ऐसा लगता था कि 173 वैकेंसीज हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, घर जाने से पहले ही मैं डर रहा था, घर पे दे दिया तो सेंटर सभी को ही दे दिया था, तो मोहित हैं और भी लोग हैं सर हैं, सबसे मैंने पूछा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसी ने मना नहीं किया, शायद किसी ने मना किया होता तो मैं गया ही नहीं होता ट्रेनिंग देने, तो ये एक डर तो होता ही है जब तक हो नहीं जाता है। मुझे अभी भी लग रहा था कि अगर फाइनल में नाम नहीं आया तो यार फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा, प्रीलिम्स होगा भी कि नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन चीज़ें ठीक रहीं, अब कम से कम PCS तो नहीं ही देना है। बाकी और कुछ, ये घटनाचक्र का पूर्वावलोकन ही पढ़ा था मैंने, इसमें हिस्ट्री का पढ़ा था, ज्योग्राफी का पढ़ा था, पॉलिटी का भी पढ़ लिया था, सर के नोट्स तो इनफ हैं, लेकिन मैंने पढ़ लिया था एक बार कुछ संवैधानिक विकास और 1-2 चैप्टर ऐसे हैं, हालांकि नोट्स में तो सब हैं, PCS के लिए तो सब इनफ है, बाकी थोड़ा सा देख सकते हैं उसको, क्योंकि थोड़ा करंट वगैरह वाले भी ऐड हो जाते हैं उसमें, तो थोड़ा सा उसको देख सकते हैं तो। और इन्वायरमेंट का ज़रूर देखना चाहिए, वो पतली सी ही है घटना चक्र की, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वगैरह तो काफ़ी मोटे हैं, हाँ लेकिन ये इन्वायरमेंट वाली जितनी पतली है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, करीब 20-20 के आसपास, 17 या 20 के आसपास आ ही जाते हैं, तो वो देख लेना चाहिए। मतलब ये जो 5-6 घटना चक्र हैं इनको ही मैंने पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, बाकी स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि UPSC भी देना था, शायद वहाँ से भी जो थियरी टाइप की चीज़ें आई थी कॉन्सेप्चुअल, वहाँ से चीज़ें हो गई थी, तो दोनों का एक मिक्सअप रहा है।
हो गया बस। बाकी इसका सी सेट तो मुझे लगता नहीं कि बहुत दिक्कत करता होगा यूपी का। हाँ उसमें तो मेरा खुद का ही रुक गया था तो मैं क्या ही बोलूँ। तो यूपी वाले में तो नहीं होना चाहिए ऐसा। हिंदी है, इंग्लिश है, बाकी ठीक ठाक मैथ्स रीजनिंग आ जाते हैं तो इसमें से काम हो जाता है। बाकी इंटरपर्सनल स्किल वाले में मैंने इस बार सब में मतलब हाफ हाफ था लग रहा था, मैंने सब में लगा दिया तो मुझे लगा कहीं सी सेट ही ना रुक जाए तो बस हो गया। उसी से ही आ जाएंगे। जैसे जो घटना चक्र वाली है वो पेज जो दिया है ना मतलब एक थियरी टाइप की दी होगी, फिर उसके बाद से क्वेश्चन शुरू होते हैं। कभी कभी हम क्वेश्चन ही पढ़ के निकल जाते हैं, अक्सर वही पढ़ते हैं, रिविजन के लिए भी वही पढ़ते हैं। थियरी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शुरू में पढ़ लेना चाहिए उसको। आप देखेंगे कुछ ब्रोंकियाई का एक क्वेश्चन आया था कि हवा कैसे पास होती है फेफड़े से, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें ब्रोंकियाई का उसमें था, ब्रोंकिया का मतलब आंसर वही था। और ये जब आप श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो उसका जो दिया हुआ है थियरी दिया हुआ है एक पेज या आधे पेज में है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो ये दोनों ही अच्छे से करना है। एक भैया थे संदीप भैया नाम है उनका, कानपुर के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बाकी कहीं नहीं भागना है, घटना चक्र अगर ठीक से पढ़ लिया, स्टैंडर्ड बुक ठीक से पढ़ी हुई है तो और कहीं नहीं भागना है। मैंने बस यही ही, बाकी सी सेट का तो हो ही गया था। बाकी मेंस में मैंने खूब सारा आंसर राइटिंग पहले भी कर रखा था, मेरा हिंदी ऑप्शनल था तो उसमें मेरी हमेशा बहुत अच्छी रैंक आती थी। विकास सर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बाकी त्रिपाठी सर के यहाँ भी मैं पढ़ा तो यहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी रैंक, सब तो क्लास में कॉपीज दिखा देते थे कि ऐसे लिखिए। तो शुरू से ही ठीक था तो मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि मतलब एक बार प्रीलिम्स हो जाए तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो हुई भी, बस ऐसे ही रहा। बाकी आप लोग की ठीक चल रही पढ़ाई? वही चार चीज़ें जो मैंने बताई, ओनली IAS की मैंने बेस बनाई थी। हो सकता है कि अब अच्छी बुक्स आ गई हो, मैंने देखा नहीं, जब अभी तो तुरंत नया ही आया था तो लोग आन पाना में निकाल रहे थे, कई सारे गलत सलत भी निकाल रहे थे। तो मैंने ओनली IAS पढ़ा, हो सकता है अब अच्छी बुक आ गई हो। यूथ वगैरह का मैंने सुना था कि तो थोड़ा और सिस्टमेटिक निकालेंगे वो, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी जो पेपर आया है ना उसके हिसाब से देखिएगा, और मुझे लगता है कि अभी के पेपर के हिसाब से 3-4 सोच तो करने ही चाहिए, क्योंकि योजनाएं और नीतियों से कम 5-6 सवाल तो थे ही, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। जैसे यूपी के कदन योजना का पूछ रखा था, वो जब आप घटना चक्र पूर्वा वो नीतियों वाला खोलेंगे तो वो पहला ही उसमें दे रखा है यूपी की कदन योजना करके। तो ये सारी चीज़ें 3-4 सोर्स कर लेनी चाहिए, एक तो यूपी तथ्य सार वहाँ से फैक्चुअल और जो कहीं नहीं मिल रही वो वहाँ पे मिल जाएंगी, लिखने का तरीका भी वहाँ से हो जाएगा। बाकी घटना चक्र की योजना और नीतियों वाली बुक, और ओनली IAS का मैंने बेस बनाया था, और यूथ पब्लिकेशन वाला जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में था वो मैंने किया था। आप दोनों मतलब आप लोग ये जो ओनली IAS वाला है और जो यूथ वाला है, इनमें से किसी को मतलब अगर कोई स्किप कर सकता है इसको, कोई अच्छा मटेरियल मिल जाता है तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में ये अवेलेबल था तो मैंने यही करा था। शायद अच्छी बुक होती या फिर सारे टॉपिक्स कवर होते हैं तो फिर मैं नहीं करता। इसमें मैंने जो सिलेबस यूपी ने निकाला है आयोग ने, मैंने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, और मैंने पेजेस में नोट्स भी बनाए थे इसके, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी थी। और एक नोट तो लगभग बना ही लिया था अपने, जो अक्सर मुझे ही समझ में आती थी बस, तो उस तरह का मैंने बना लिया था कि लास्ट में कम से कम एक दो बार ही रिवाइज हो जाए। तो हर एक टॉपिक के बना लेने कोशिश करिए, अगर आपके खुद के हैं तो वो सबसे अच्छे हैं, नहीं तो दूसरों का भी मतलब अगर हेल्पफुल समझ रहे हो तो देख सकते हैं, लेकिन खुद से ही बनाना ज़्यादा बेनिफिट।